अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टू फाइनल लेसन प्लान किस तरह बनाने हैं और इनका चार्ट किस तरह तैयार करने हैं, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल से बताऊंगी। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो स्टूडेंट, चलते हैं अपने वीडियो की जानब। स्टूडेंट्स, आपको बताते चलें कि 40 लेसन प्लान में से आपको सबके इशारे तैयार करने हैं, ठीक है, और फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए लेसन प्लान तैयार करना होगा और चार्ट तैयार करना होगा। जी स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, हम इसका अपने लेसन प्लान का आगाज़ करेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है मकासद। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबल हो जाएंगे कि, ठीक है, आगे हमने पॉइंट देने हैं, तलबा देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क जान सकेंगे। सेकंड पे, तलबा देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी के असबाब से वाकफ हो सकेंगे। थर्ड पे है, तलबा रोज़मर्रा अल्फाज की पहचान कर सकेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तदरीसी मामलत। और तदरीसी मामलत में यूज़ होने वाली अपना आप लेसन डिलीवर करते वक्त जो चीज़ें यूज़ करते हैं उनको यहाँ लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, तख्ता स्याह, वाइट बोर्ड, चाक, मार्कर, डस्टर, तस्वीर, नक्शे, ग्लोब, चार्ट्स और दर्सी कुतब वगैरह, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है हमारा तारुफ़। तारुफ़ में हमारे पास आएगा उस्ताद मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए तलबा की तवज्जो मरकूज करने की कोशिश करेगा और लेक्चर मेथड को इस्तेमाल करते हुए तलबा से चंद सवालात पूछेगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है, चार्ट में मौजूद बैलगाड़ी कौन सी है और बैलगाड़ी कहाँ इस्तेमाल होती है, शहरों में या देहातों में। तो यहाँ भी हम लिख देंगे देहातों में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, शहरों में हर तरफ किस चीज़ का शोर होता है। तो इसका हमारे पास जवाब आएगा कारखानों और गाड़ियों का शोर। हमारा सेकंड पेज पे थर्ड क्वेश्चन है, शहरों में लोगों के घर कैसे होते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, देहातों में लोगों के कैसे घर होते हैं। और फाइव क्वेश्चन है, देहातों में रहने वाले लोग कैसे होते हैं। आगे है, इन सवालात के दुरुस्त जवाब मिलने पर उस्ताद अलाने सबक करेगा कि अजीज़ तलबा, आज हम शहरों और देहातों में फ़र्क के बारे में पढ़ेंगे और इनवान को बोर्ड पर लिख देगा। हर नंबर पे हमारे पास आएगा पेशकश। उस्ताद एक चार्ट अवेजा करेगा जिसमें देहातों और शहरों के फ़र्क को वाजिया बयान किया जाएगा और बताएगा शहरों में हर तरफ गाड़ियों का शोर और कारखानों से निकलने वाला धुआं होता है, जबकि इसके बरक्स देहातों में हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और देहातों में रहने वाले लोग मिलनसार, सादा और बाखलाक होते हैं। हमारा फोर पॉइंट है खुलासा, ठीक है। उस्ताद बताएगा कि आज के सबक का खुलासा ये है कि अहमद लाहौर में रहता है, गर्मियों की छुट्टियों में ननियाल आता है तो देखता है गांव में कच्चे घर हैं। गांव के लोग सादा, बाखलाक और मिलनसार होते हैं। गांव के लोग खेती बाड़ी करके गुजर बसर करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरों का मुश्किल वक्त में साथ देते हैं, एक दूसरे की बीमारी और दुख दर्द में सहारा बनते हैं। देहातों में तालीम की सहूलत की कम, रोजगार के मौका ना होने की वजह से देहातों के लोग शहरों का रुख करते हैं, जिसे नकल मकानी कहते हैं। शहरों में हर तरफ गाड़ियों का शोर और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और कारखानों से निकलने वाला धुआं फ़ज़ा और माहौल को आलूदा कर रहा है। शहरों में फ़ज़ा घुटन होती है जो मुतअद्दिद बीमारियों का सबब बनती है। ये फ़र्क देहातों और शहरों की ज़िंदगी के फ़र्क को वाजिया करता है। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जायज़ा। उस्ताद जायज़े की गरज से चंद सवालात पूछेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन करेगा, देहातों में रहने वाले लोग शहरों का रुख क्यों करते हैं, ठीक है। ये हम क्वेश्चन अपनी क्लासे में से ही करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, अहमद गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ आता है। थर्ड क्वेश्चन है, देहातों में रहने वाले लोग कैसी ज़िंदगी बसर करते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, शहरों में हर तरफ किस चीज़ का शोर होता है। और आगे है पाँचवा क्वेश्चन, देहातों में रहने वाले लोग
शहरों का रुख क्यों करते हैं। और हमारा लास्ट पे पॉइंट है गढ़का काम। उस्ताद तलबा को शहरों और देहातों के फर्क पर मजमून लिख कर लाने को कहेगा और दूसरे दिन तमाम तलबा का होमवर्क चेक करेगा और तमाम तलबा से मजमून सुनेगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इस पर चार्ट किस तरह बनाएंगे उसके बारे में मैं मुकम्मल डिटेल आपको बताऊंगी। ठीक है, हम इजीली आप लोग चार्ट बना सकते हैं और अपना लेसन प्लान डिलीवर कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, जिस तरह हमने देहाती और शहरी ज़िंदगी के बारे में यहाँ पे मुवाजना करना है, फ़र्क बयान करना है, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला देहाती ज़िंदगी है और सेकंड वाला शहरी ज़िंदगी है। ठीक है, शहरी ज़िंदगी में आप देख सकते हैं घर किस तरह के आ रहे हैं, बिल्डिंग, इसके अलावा स्कूल आ गया और इसके अलावा ये आप ट्रैफिक देख सकते हैं और यहाँ से निकलने वाला धुआं ट्रैफिक से, आप देख सकते हैं ट्रैफिक का शोर और धुआं। और ये मैंने कारखाने बनाए हैं, कारखानों से निकलने वाला धुआं, ये हमारी शहरी ज़िंदगी में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए देहाती ज़िंदगी की तो देहाती ज़िंदगी में आप देख सकते हैं कच्चे घर, ट्रीज और ये खेत, ट्यूबवेल, हवेली और ये आप देख सकते हैं बाड़ा और ये वुमेन है जो पानी लेने जा रही हैं, ट्रीज है, गायें हैं, गायें का बीबी है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रास है, बैलगाड़ी है, ट्रीज है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। ये हमारा देहाती ज़िंदगी है और अगर नीचे देखा जाए तो ये शहरी ज़िंदगी है। इस तरह ये हमारा चार्ट शहरी और देहाती ज़िंदगी को। स्टूडेंट्स, आई होप आप इस चार्ट की मदद से इजीली अपना लेसन प्लान डिलीवर कर सकते हैं और आपको बहुत से मुनफरिद आइडियाज़ मिल गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।